गोड्डा भागलपुर मुख्य मार्ग पूर्व विधायक संजय यादव के आश्वासन के बाद प्रोफेसर कॉलोनी की महिलाओं ने तोड़ा जाम। दिन भर के जाम के बाद देर शाम जाम को खोला गया। मौके पर नगर पंचायत के अधिकारी साथ ही पूर्व जिला परिषद कल्पना देवी भी मौजूद रही और कई सालों से हो रहे मोहल्ले वासियों की समस्या के निदान को लेकर बात की। मोहल्ले के लोगों ने पूर्व विधायक से फोन पर बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो खुद इस समस्या का समाधान करने में सहयोग करेंगे। आपको बता दें, कई साल से जल जमाव से मोहल्ले के लोग परेशान हैं। कुछ लोग तो अपना घर डूब जाने से कई साल से भाड़े के घर पर रहने को मजबूर हैं। जो अपने घर में रह रहे हैं उनके घरों में बारिश के दिनों में सांप बिच्छू घुस रहे हैं, जिससे हमेशा डर का माहौल बना रहता है। आज मोहल्ले के लोग कई साल से परेशान होकर सड़क को दिन भर जाम किया, जिसके बाद पूर्व विधायक के आश्वासन के बाद जाम को तोड़ा गया। लेकिन मोहल्ले के लोगों ने कहा कि अगर इसका समाधान कुछ नहीं निकला तो फिर सड़क जाम करेंगे। विधायक जी ने हम लोगों को कमिट किया कि हम लोग कल सॉल्यूशन निकलवाते हैं इसका, तो जब इतने दिनों तक हम लोग कष्ट में हैं तो एक दिन और सही, बस यही सोच के। हाँ, जाम अभी हम लोग तोड़ रहे हैं, नहीं होता है तो कल दोपहर के बाद मिशन चौक जाम करेंगे, चाहे जो करना पड़े। अगर हम लोग का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला तो कल हम लोग मिशन चौक जाम करेंगे, और भी इससे ज्यादा लोग रहेंगे, और भी महिलाएं रहेंगी, बच्चों को भी लेकर जाएंगे। हमारे घर में जो बच्चे हैं, बीमार बुजुर्ग हैं, उनको भी लेके आ जाएंगे और सड़क पे बैठाएंगे कि देखें, जब घर में ही मरना है तो यहीं पे बोलेंगे मरने के लिए, हम लोग मर जाएंगे यहीं आज रात भर आप लोग। हाँ हाँ हाँ, वो भी सर बोले हैं भैया, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। सजय भैया बोले हुए हैं, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं, नहीं तो हम लोग अभी नहीं जाते। सॉल्यूशन निकल पाया दिन भर कहाँ था? सॉल्यूशन हम लोग यही निकाल पाए, बहुत मतलब सारे लोग आए, पदाधिकारी आए, हम लोग सारे लोग ये किए। कल पानी निकासी किया जाएगा, उसके बाद हम लोग बैठ के सभी लोग रैयत हो गए, पब्लिक हो गए, हम लोग मिल के आगे जिन जो जमीन में बाधा आ रही है उनसे बात करेंगे, डीसी साहब रहेंगे, सभी से मिल बैठ के बात करके परमानेंट ये लोग का सोल्यूशन निकाला जाएगा। अभी लोग बोल रहे हैं कि जो है संजय यादव के बोलने पर ही सिर्फ अभी ये लोग जा रहे हैं, बाकी कल उन सोल्यूशन वही करेंगे हम आने के बाद। हाँ, वही हम लोग अभी इनको आश्वासन दिए कि विधायक जी भी दो दिन में आ जाएंगे और फिर हम लोग सबसे बैठ के बात करेंगे, डीसी साहब से जाके मिलेंगे कि और सॉल्यूशन आप लोग। हाँ, हम लोग निकालेंगे। आप पेमेंट छोड़ देते हैं क्या नगर पालिका? कुछ समय ऐसा रहा ना सर, घर गिरने लगेगा आदमी का घर गिरने लगेगा, आप समझ नहीं रहे इसको। हम लोग क्या करेंगे ये बताइए, हम लोग का भी सारा समस्या का समाधान हो जाएगा, वो सारा निर्भर आप लोग पे करता है। मैम हम काम कर नहीं तो मैडम सर काम मैडम नगर पालिका का काम नहीं हो रहा है, खाली दिखाने के लिए काम हो रहा है, नगर पालिका खाली पैसा लेने के लिए काम करवा दीजिए ना। काम करने के बावजूद भी आज मजबूरी क्या हुआ, जब महिला आज दिन सुबह से जो आज तक घर से नहीं निकली है महिला, कहीं से निकास नहीं है मैम। तो निकास कौन कराएगा? हम ही कराएंगे। हम लोग कराएंगे, हम लोग जाएंगे पहले भी जिधर से पानी आ रहा है उसको रोकवा दीजिएगा, पूरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। बात कर रहे हम लोग यही रहेंगे, आप देख रहे हैं रोड कितना है, नाला रोड कितना ऊंचा है।